क्या आप भी आने वाले समय में अपना पैसा 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना करना चाहते हो? तो हाँ जी दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए जो आने वाले समय में आपका पैसा 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना करके रिटर्न करेगा आने वाले कुछ ही समय में। उससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो इस स्टॉक ने 1 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो 71% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया है। एंड मैं 5 साल का बात करूँ तो 5 साल के अंदर आप लोग इधर देख सकते हो, 5 साल के अंदर 1,033% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 5 साल के अंदर ही 10 गुना, ऑलमोस्ट 10 गुना ही कर दिया है पैसा। यदि आप 10,000 रुपया इसमें लगाते हैं तो उसका 10 गुना आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड मैं मैक्सिमम का बात करूं तो मैक्सिमम में 22 गुना, वो क्या कहते हैं, 2200 गुना। तो आप लोग देख सकते हो 2200, ऑलमोस्ट 2300% का मैसिव रिटर्न प्रोवाइड किया, इसके माने 23 गुना आपका पैसा कर दिया है। यदि 10,000 रुपया लगाते इसमें तो 23 गुना आपको पैसा वो रिटर्न करके देगा। बट आप इसमें कंपाउंडिंग का मैजिक तो भूल ही गए, इसमें कंपाउंडिंग भी होता तो आपको और ज़्यादा रिटर्न मिलता। तो ऐसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप ऐसे स्टॉक में जब पैसा लगाएं तो आपका पैसा 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 10 20 20 गुना आपको रिटर्न मिले। तो ऐसे स्टॉक को फाइंड करने के लिए मैं आपको एक मेथड बताऊं, आपको ऐसा प्रोडक्ट हेरना है, ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जो डेली लाइफ में यूज होता हो एंड वो ज़्यादा दिन तक का ना चलता हो, उसको दोबारा खरीदना पड़े। जैसे कि कोई आपने कोलगेट खरीदा तो कोलगेट एक बार कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। मान लें अभी 10 वाला कोलगेट आप खरीद लिए तो वो 10 दिन चलेगा, अब उसके बाद भी खरीदना पड़ेगा आपको। तो ऐसे प्रोडक्ट हेरना पड़ेगा, ऐसे कंपनी हेरना पड़ेगा जो इस तरह का प्रोडक्ट बनाती हो कि वो डेली लाइफ में रोज यूज होता हो। ये नहीं कि एक बार प्रोडक्ट बना दी तो वो 10,000 कम से कम 5 साल 6 साल चल रहा, ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकेंगे। ऐसे प्रोडक्ट आपको जो कम ऐसे कंपनी को आपको फाइंड करना है जो प्रोडक्ट बनाती हो बट उसका प्रोडक्ट जल्दी यूज करके ख़त्म कर दे हो कस्टमर, फिर उसको दोबारा खरीदने जाए। तो ऐसे कंपनी को आपको फाइंड करना पड़ेगा एंड उसका कोई कंपटीटर ना हो। और ये भी देखना है कि उसका कोई कंपटीटर ना हो कि उसको डोमिनेट कर जाए। तो जो बेस्ट कंपनी है ऐसी कंपनी आपको फाइंड करना है और वो जो उसमें जो बेस्ट कंपनी है उसमें आपको बाय करना पड़ेगा कम प्राइस पे, जब वो आपको डिस्काउंट पे वो स्टॉक मिले तो उसमें बाय करके अपना पोजिशन बनाना पड़ेगा। तो मैं बहुत एक अच्छा मेथड आपको बता दिया हूँ गुड कंपनी फाइंड करने के लिए, आपका पैसा इस तरह लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बनेगा। एंड मैं बात करूँ ये कंपनी करती क्या है एंड कंपनी करती क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, तो आप लोग देख सकते हो इस कंपनी का प्रोडक्ट जो है पेप्सी है एंड पेप्सी ब्लॉक है एंड माउंटेन ड्यू है, ये स्ट्रिंग भी है, इसके सारे प्रोडक्ट हैं स्लाइस से। आप लोग इधर देख सकते हो इतने सारे ये प्रोडक्ट बनाती है, तो इसका ये प्रोडक्ट है। एंड फूड में आप लोग देख सकते हो, इधर मैं क्लिक करूँ ये लोग ये देखो कुरकुरे भी बनाती है। तो ये कंपनी अपने आपको एक्सपेंड भी करती है, तो ये कुल मिला के ये कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी है। एंड कंपनी का नाम क्या है आपको मैं कंपनी का नाम दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो जो कंपनी का नाम है, इधर आप पढ़ सकते हो, इधर कंपनी का नाम आप पढ़ सकते हो शॉर्टकट में। यदि आप BVUL टाइप करेंगे क्या कहते हैं गूगल पे तो ये कंपनी का नाम आ जाएगा। आप इसको फर्दर रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जो मैं आपको मेथड बताया हूँ कंपनी फाइंड करने का वो बहुत अच्छा है, उस कंपनी में ऐसे कंपनी में पैसा लगाओगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी कंपनी हो, यूनिक कंपनी हो, उसका कंपटीटर ना हो, वो मार्केट लीडर हो एंड उसका प्रोडक्ट जो है वो डेली लाइफ में यूज होता हो। ऐसा ना हो कि एक बार बना दे तो वो हजारों साल चलता रहे वो प्रोडक्ट, ऐसा ना हो लाइफ टाइम के लिए चलता रहे। ऐसा प्रोडक्ट बनाता हो कि वो 6 महीने के अंदर ही खत्म हो जाए प्रोडक्ट, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अब कोल्ड ड्रिंक देखो, आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा एक बार उसको पी लिया तो वो कोल्ड ड्रिंक तुरंत ही खत्म हो गया, दोबारा जब आपको खरीदना ही पड़ेगा, यदि पीना है तो दोबारा खरीदना ही पड़ेगा। तो ऐसे कंपनी आगे चल के बहुत ज़्यादा अपना सेल करेंगी, प्रोडक्ट को सेल करेंगी तभी उनको प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो उनका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो आपको बेनिफिट होगा।